स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच एक बार फिर अमेठी सीट को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता अजय राय के बयान की वजह से हुई है। उन्होंने स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दिया है, जिस पर अमेठी से राहुल को चुनौती देने का ऐलान स्मृति ईरानी ने कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहा है विवाद। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी के अमेठी के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेठी में जितनी फैक्ट्रियां लगी थी सब कांग्रेस की देन थी। अब ये सब या तो बंद हो गई हैं या फिर बंद होने वाली हैं। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। स्मृति ईरानी आती है और लटके झटके दिखाकर चली जाती है। राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे। जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है लगभग, जहां लोगों ने उस वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। यही नहीं, अजय राय ने राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ने के भी संकेत दिए हैं। अजय राय के इस बयान पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझू? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? ट्वीट में स्मृति ईरानी ने राहुल और सोनिया पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि अजय राय को अब किसी नए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। अमेठी सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए राहुल गांधी को हरा दिया था। उस चुनाव में राहुल गांधी 55,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। इसी वजह से चर्चा है कि क्या फिर राहुल अमेठी से ही 2024 में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं या नहीं। अजय राय का बयान जरूर इस ओर संकेत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो ये थी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।